हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीलवर्म बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड है हमारे फिशेज के लिए और हमारे फिश के लिए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे मीलवर्म की केयर कर सकते हैं, और प्लस में अगर जो आप मीलवर्म को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मंगाना चाहते हैं, तो मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो जाकर देखिए। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि आप कहाँ से मंगा सकते हैं और कैसे आपके पास आएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और वो उसका लिंक मैं आई बटन के दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर कि हम लोग मीलवर्म की केयर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे डब्बा ले लेना होगा जिसमें बहुत सारे होल होंगे, ताकि उसमें आप अच्छी तरह से मीलवर्म को रख सकें। लेकिन मीलवर्म जो होते हैं वो थोड़े से गर्म जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनको नमी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इसीलिए आपको ड्राई एंड जहाँ पर थोड़ा सा वार्म प्लेस हो वहाँ पर आपको रखना चाहिए। आपको कुछ इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है, आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा एक बॉक्स है। इसका एक ढक्कन भी होना चाहिए कुछ इस तरह से। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से, उसका ढक्कन भी होना चाहिए। और आप इस ढक्कन में बहुत सारे होल कर सकते हैं किसी भी आयरन रॉड की मदद से, जो सोल्डिंग आयरन होता ना उसकी मदद से भी आप यहाँ पर होल कर सकते हैं, या आप किसी और भी चीज़ की मदद से यहाँ पर होल कर सकते हैं। तो आपको उसकी मदद से यहाँ पर होल कर लेना है इस पूरे ढक्कन में। तो होल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे होल किए हैं, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे होल मैंने इसमें किए हैं। आपको इसी तरह से पूरे ढक्कन में होल कर लेना है, ताकि आप जब इसमें वार्म को रखें तो उसको प्रॉपर एयर मिलता रहे, और जब उसको प्रॉपर एयर मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छे से रहेंगे, स्वाइप भी करेंगे अच्छे से। अगर जो आप डायरेक्टली इसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं और इसमें बिल्कुल भी होल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका वार्म मर जाए, हो सकता है कि आपका वार्म मर ही जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से बहुत सारे ऊपर होल कर देने हैं। आपको यहाँ पर होल बिल्कुल नहीं करना है, हो सकता है कि वार्म उस होल से बाहर निकल जाए, तो इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी होल नहीं करना है। और ध्यान रखें जो इस बॉल का सरफेस जो अंदर का, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ताकि वार्म ऊपर ना क्लाइम कर सके। अगर जो ऊपर क्लाइम कर लेंगे तो हो सकता है कि इन होल्स के द्वारा भी वो वार्म बाहर निकल जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली इसमें वार्म को रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि डायरेक्टली वार्म को बिल्कुल भी इसमें ना रखें। सबसे पहले क्या करें, इसमें कुछ भी आप पाउडर मिला सकते हैं, जैसे हो सकता है कि जो लकड़ी का बुरादा होता है वो उसमें भी आप डालकर उसको रख सकते हैं, क्योंकि उनको गर्मी बहुत पसंद है और वो गर्मी में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर जो आप डायरेक्टली उसको रखते हैं तो उनको नमी मार सकता है, क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि ड्राई कुछ ऐसा आप इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड कर दें, जिसके कारण से वो अच्छे से रह सके। लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो आप दलिया देख रहे हैं, इस दलिया के मदद से भी आप उसको रख सकते हैं। लेकिन इस दलिया को थोड़ा सा आप पीस लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े दाने होते हैं जो आपको बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा पीस लें, ताकि आप इस छन्नी की मदद से उसको चाल सके। और इस छलनी की मदद से होगा क्या कि आप जब भी उसको चालेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उसे चालना है। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा वार्म है, और वार्म को मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसी में रखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये दलिया लिया है, और इस दलिया को थोड़ा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है, ताकि इस छलनी में चला जाए। जैसे देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें सारे वार्म को निकाल दिया। अब इसको मैं हल्का हल्का ऐसे करूँगा, एकदम हल्के हल्का आपको करना है, याद रहे वो लाइव वार्म है तो आपको हल्के हल्के करना। तो देखिए सारा जो सब ट्रैक था वो नीचे चला गया, और इसमें सिर्फ वार्म ही बचे हैं। तो आप देख सकते हैं, मंथ में एक बार जरूर करना होगा, ताकि उनका सब्ट्रैक्ट चेंज कर पाएं, क्योंकि ये थोड़े से स्मेल करने लग जाते हैं। तो आपको हर मंथ में ये चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा स्मेल ना करें।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसको आप महीन पाउडर बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इनके लिए भी और आपके लिए भी बेटर रहेगा, ताकि आप आराम से इसे चाल सकेंगे। लेकिन अगर जो आप महीन पाउडर नहीं बनाते हैं तो आप इनको इससे अलग नहीं कर पाएंगे, वर्म को आप इस पाउडर से अलग नहीं कर पाएंगे अगर जो इसको आप महीन नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इनको सैंड के साथ भी, रिवर सैंड के साथ भी इनको रख सकता हूँ? तो हाँ जी ये फ्रेंड्स आराम से रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसको आपको ड्राई रखना है, ना कि उसमें आप पानी डाल दें, क्योंकि इनको ड्राई सब्सट्रैट ज़्यादा पसंद है, ना कि गीला। इनको गीला चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। राइस का जो छिलके होते हैं उसमें भी आप इनको रख सकते हैं बड़े ही आराम से। जो धान कुटाता है उसके बाद जो बेस्ट पार्ट बचता है उनमें इनको रख सकते हैं बड़े ही आराम से। तो वो भी अगर जो आपको मिल जाए तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं बड़े ही अच्छे से। या फिर ओट्स जानते होंगे, उसको भी आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। या फिर अगर जो आपको कुछ भी ना मिले तो मैं सिंपली कहूँगा कि आपके आसपास अगर जो मकई के दाने मिल जाते हैं ड्राई, तो उनको आप ले लें और मिक्सी में उनको बहुत ही महीन पीस लें, ताकि वो चलनी में चाल सकें आप, और फिर उनको उसी में रखें। उस तरह से भी आप रख सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप किसी चीज़ में भी इनको रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको बिल्कुल स्मूथ रखना है ताकि वो चढ़े नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो इंसेक्ट है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो एक इंसेक्ट है ये देखिए वॉल पर चढ़ रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये ऊपर ना चढ़ पाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मूथ सरफेस रखना है ताकि ये ऊपर ना चढ़ पाए। देखिए ये पूरी तरह से ऊपर चढ़ता जा रहा था, तो इस तरह से आपको बॉल में थोड़े से सब्ट्रैक्ट बिछा लेने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं आपको डालने हैं। और उसके बाद आपको ये वर्म ले लेने हैं, आप देख सकते हैं ये वर्म आपको ले लेने हैं, और उनको आप फिर आप इसी तरह से, ये देखिए हमारे जो बहुत सारे वर्म है वो यहाँ पर चिपक गए हैं, तो आप इनको धीरे धीरे इस तरह से कर सकते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए। बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये जो वर्म होते हैं वो क्या बाइट करते हैं, तो मैं बता दूं कि वर्म बिल्कुल भी बाइट नहीं करते हैं, आपको बेफिक्र इनको हैंडल कर सकते हैं आप, ये आपको काटेंगे नहीं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सारे निकल गए हैं, अब यहाँ पर आ गए हैं, आप इस वर्म को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रहते हैं, और जो सारे वर्म है वो सब्ट्रैक के अंदर चले जाएंगे। देखना थोड़े देर में वो सब्ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको देखिए यहाँ पर एक वर्म निकला और भी आपको निकलेंगे, तो ये अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए इसके अंदर ये चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको फीडिंग में क्या दे सकते हैं, तो आप इनको फीडिंग में पोटैटो दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे वेजिटेबल दे सकते हैं जो मॉइस्चराइजर को कंटेन करता हो, जैसे आप वाटरमेलन दे सकते हैं, या फिर आप कैरेट को भी स्लाइस करके इनको फीडिंग में दे सकते हैं, या फिर आप पोटैटो को भी दे सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे वेजिटेबल दे सकते हैं जो ये बहुत ही आराम से फीड कर लेंगे, या फिर आप बहुत सारे लीव्स भी दे सकते हैं, जैसे आपके पास अगर जो फूल गोभी होता है उसका भी पत्ता आप खिला सकते हैं, या फिर आप किसी और वेजिटेबल का भी पत्ता, ये बड़े आराम से खा लेते हैं, इनको फीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो इनको बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खिलाना है, नहीं तो हो सकता है कि इनके अंदर कुछ टॉक्सिक या पॉइजनस हो सकता है, जो आप अगर जो इनको अपने पेट को देंगे तो उनको हार्म कर सकता है, इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खिलाना है, इनको भेज पर ही आप रखिएगा, ताकि ये जब वर्म को आप अपने पेट को देंगे तो वो भी स्वस्थ रहें। लेकिन आप अगर जो इनको फीड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप डायरेक्टली अपने पेट को फीड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उस बात को ध्यान रखते हुए इनको फीड करना है कि आपको कुछ भी नहीं खिला देना है ऐसे ही, नहीं तो हो सकता है कि आपके पेट को वो हार्म कर सके जब आप इनको फीड कराएंगे, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और मैं एक बात और बता दूँ कि ये जो व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो व्हाइट वाला है, ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग पूपा बोलते हैं, ये वर्म का सेकेंड स्टेज है,
तो आपको इस वार में से इसको अलग कर लेना है और हमारे दूसरे कंटेनर में इसे रख देना है, जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ और जो हमारे दूसरा कंटेनर है उसमें इसको डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी पुपा रखे हुए हैं। जो भी आपके ये सेकेंड स्टेज में चला जाए वार्म, तो उसको आपको अलग एक डब्बे में रखना है, ताकि वार्म जो है इनको हार्म ना कर सके, क्योंकि ये बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं और ये उसी तरह से पड़े रहते हैं। लेकिन ये मरते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मर जाते हैं, ये मरते नहीं हैं, उसी तरह से पड़े रहते हैं और करीब करीब एक वीक तक ऐसे ही रहेंगे और उसके बाद ये बीटल में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बीटल देख सकते हैं, जैसे कि आप ये बीटल देख सकते हैं, ये वाइट कलर का है, ये जस्ट बीटल बना है इसलिए ये वाइट कलर का है। ये जैसे जैसे और बड़ा होता जाएगा उसी तरह से इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बीटल है, ये जो कि ब्राउन कलर का है, इसको थोड़े देर हो चुका है इसलिए ये ब्राउन कलर का हो चुका है। और ये जैसे जैसे और बड़ा होता जाएगा इसका कलर और ज़्यादा डार्क होते चला जाएगा और ये थोड़े से ब्लैकिश टाइप के दिखने लगते हैं बाद में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको अलग रखना है, और जो भी बीटल हमारे होंगे उसको भी आपको अलग डब्बे में रखना है। तो आपको मिला जुला के तीन ऐसे डब्बे चाहिए जिसमें आपको सारे वार्म के सारे स्टेज के अलग अलग वार्म को रखना है। और आप डेली ये काम करिएगा, जो भी आपके वार्म होंगे, जैसे कि मेरे ये वार्म है, जो भी आपके वार्म होंगे आपको डेली उनमें से जो डेड वार्म होंगे, जैसे ये देखिए जो आपको डेड वार्म दिख रहे होंगे, जैसे ये वाला जो वार्म है वो डेड है, ये जो वार्म आपको दिख रहे हैं ये सारे डेड वार्म है, तो आपको इनको अलग कर लेना चाहिए। जो भी हमारे डेड वार्म होंगे उनको आपको अलग कर लेना चाहिए, ताकि वो स्मेल ना करें, नहीं तो स्मेल करेंगे तो आपको ही खुद ही प्रॉब्लम होगा। तो आपको इनको अलग कर लेना है और आपको अपने पेट को ये दे देंगे, ये जितने भी डेड वार्म है डेली आप इसमें से कलेक्ट करिए और अपने पेट को आप दे दीजिए, तो आपके पेट भी फिट कर लेंगे और ये भी अच्छे से रहेंगे और ये बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं करेंगे। तो आपको इनको केयर करने में भी काफ़ी आसानी होगा। और प्लस में मैं ये बताना भूल गया कि आप इनको जो भी फीड देंगे, वो जैसे कि आप मॉर्निंग के टाइम पर इनको कोई फीड दिए हैं, तो वो शाम होते होते उस फीड को आपको हटा लेना है। जो भी आप इनको फीड किए होंगे तो वो सड़े नहीं, नहीं तो वो स्मेल करने लग सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, इनको भी प्रॉब्लम करेंगे और आपको भी प्रॉब्लम करेंगे। आपको मेनली इस बात का ध्यान रखना है कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई में रखें, ताकि आप अपने पेट को बेझिझक फीड कर सकें। अगर जो आप इनको अच्छे से नहीं रखेंगे तो हो सकता है डायरेक्टली आप अपने पेट को हार्म कर रहे होंगे, ये अगर जो पॉइजनस हो जाएंगे तो आपके पेट जो रहेंगे उनको ही प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से रखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोटीन वाला फूड होता है हमारे पेट के लिए, और ये बहुत ही अच्छा फीड भी है। वीकली आप एक टाइम तो ज़रूर इनको अपने पेट को फीड कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे से खाते हैं। आपके जो भी पेट होंगे, जैसे टर्टल हो गया, या फिर आपके पास कोई ऐसे फिशेज होंगे, मॉन्स्टर फिशेज होंगे, या फिर आपके गोल्ड फिशेज होंगे, उनको भी आप फीड कर सकते हैं, या फिर अगर जो आपके पास कोई बर्ड होंगे तो उनको भी आप ये बड़े आराम से फीड कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको खाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड है। जैसे कि आप अपने पेट को एग देते होंगे या फिर आप अपने पेट को सिरिम देते होंगे, तो उनसे भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा फीड है हमारे बर्ड या फिर हमारे जो भी पेट है उनके लिए। आपके जो भी पेट होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में और वो इन्जॉय करके इनको फीड में लेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर जो आपको जानना है कि इनको आप कैसे ब्रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। तो आपको उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।